वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मारुति ओमनी ड्राइविंग लेसन को दोबारा से रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा और ओमनी कैसे चलाते हैं। और खासकर दोस्तों, अगर आप कार चलाना सीख जाते हैं, सभी कार का फंक्शन एक तरह का होता है, आप आसानी से सीख सकते हैं। और मेरे साथ हैं समरीन, जो सीखेंगी आज हमारे साथ में। मैं अभी उनको बताऊंगा, बाद में फिर वो ड्राइव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको कार चलाना है तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों, आप जैसे बैठते हैं आपको मिरर एडजस्ट कर लेना है और अपना सीट बेल्ट बांध देना है। उसके बाद में दोस्तों, आपको गाड़ी पे आके आपको जो है बहुत सारे चीजें जो है आपको जानना जरूरी है। इसमें से दोस्तों, सबसे पहले हम गाड़ी का ABC जानते हैं दोस्तों। ए होता है आपका एक्सीलेटर, ये एक्सीलेटर है जो राइट साइड में होता है पूरा किनारे। और उसके बाद होता है ये ब्रेक जो बीच में होता है। उसके बाद होता है ये सीफर क्लच जो एंड में होता है। आप सब स्कूटी और बाइक अगर चलाते हैं आपको पता है एक्सीलरेटर का काम क्या है। दोस्तों आपको पता होगा, तो एक्सीलरेटर का काम ये है कि स्पीड को बढ़ाना है बस। अगर आप छोड़ देंगे तो स्पीड कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ब्रेक, आप साइकिल स्कूटर वगैरह चलाते हैं आपको पता है ब्रेक का काम होता है गाड़ी को रोकना या फिर गाड़ी का स्पीड कम करना। क्लच, अगर आप बाइक चलाते हो तो आपको पता होगा क्लच उसमें होता है। क्लच दबाते हैं, इंजन फ्री होगा, रिलैक्स होगा और उसके लिए हम गियर डालेंगे। क्लच दबाकर ही गियर डालना है, जो बाइक चलाते हैं उन्हें पता है। तो दोस्तों, ये था सिंपल फंक्शन, आपको बता दिया। और बाद में और भी कई तरह की चीजें, जैसे दोस्तों ABC के बाद में D, डिस्टेंस देखना जरूरी होता है। वो है दोस्तों कि आपका लेफ्ट साइड में कितना जगह होता है, राइट साइड में कैसा होता है, वो डिस्टेंस के बारे में भी आपको वीडियो में बताएंगे। इसके पहले ही मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया कि आपको एक जो है सेफ यहाँ पे एक कुछ एवरेज कर लेना है कि इस साइड से होता है कि लेफ्ट साइड का एडजस्टमेंट यहाँ से आपको एडजस्ट कर लेना है देखकर। तो वैसे सबसे आसान तरीका यह है कि आपका जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो एडजस्टमेंट है वो होता है ये स्टेयरिंग के सीधे से जो होता है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ हूँ, ये है लेफ्ट साइड का एडजस्टमेंट, यानी कि लेफ्ट टायर जो है हमारा यहाँ पे होगा और राइट साइड का जो एडजस्टमेंट है हमारा स्टीयरिंग जो है यहाँ पे इस तरह से, और ये वाला जो है ना यहाँ पे होगा हमारा राइट टायर। तो दोस्तों, लेफ्ट राइट साइड का एडजस्टमेंट भी इसमें आ जाता है, सारा फंक्शन जो आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें यहाँ पे इग्निशन की जो है अब मैं ऑन करके रखा हूँ, तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ये है गाड़ी का की और ये की को हम यहाँ पे इग्निशन की जगह पे लगाएंगे। ये जगह है यहाँ पे, फर्स्ट हम इसे इंसर्ट करें और फर्स्ट बार मोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, सेकेंड बार मोड़ेंगे तो यहाँ पे इग्निशन जो है ऑन हो जाएगा और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको इस तरह का शो करेगा जो लाइट जलता है। और ये लाइट जो है स्टार्ट होने के बाद में सारा लाइट बंद हो जाना चाहिए। अगर बंद नहीं होता है तो उस लाइट में जो चीज़ बताया जाता है उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, इग्निशन को और एक बार हमारा जो की है इसको मोड़ना है। तो अब हमारा गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद में दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गियर डालना है। तो गाड़ी बढ़ेगा कैसे, अगर स्कूटर है तो गियर डालने की कोई जरूरत नहीं, उसमें गियर होता ही नहीं है। बाइक होगा तो आपको पता है उसमें गियर डालना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी तरह हमें गियर डालना है। सबसे पहले हम क्लच यहाँ पे फुल दबाएंगे लेफ्ट पैर से। तो आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों, दाहिना पैर जो है आपको इस तरह रखना है कि यहाँ पे एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों पे आ जाए, मिडिल की तरफ रखना है। ये होता है सबसे सही तरीका, ये है आपको जो है अपना दाहिना पैर जो है मिडिल में रखना है, एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों काम करेगा। ये दाहिना पैर को आपको इस तरफ लेना नहीं है या फिर बाएं पैर को इस तरफ लेना नहीं है, बस यहीं पे रहना है। बाया पैर रेस्ट करेगा क्लच दबाने के बाद में, दाहिना पैर का काम है ये दो चीज को संभालेगा वो। तो चलिए दोस्तों, गियर डालते हैं कैसे है दोस्तों। उसके बाद आपको चेक कर लेना है आपका पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है नहीं। ये पार्किंग ब्रेक जो है हमने ऑफ कर दिया है, ये है पार्किंग ब्रेक। तो कई कार में यहाँ पे होते हैं, ये वैन है इसलिए यहाँ पे वहां पे है। तो चलिए दोस्तों, हम क्लच यहाँ दबा दिए हैं। क्लच दबा देने के बाद में दोस्तों हमें सबसे पहले फर्स्ट गियर डालना है। तो यहाँ पे गियर का जो सिस्टम है इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो है, आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। आपको लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इधर लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इधर उधर जाता है तो समझ लेने हम कि ये गियर न्यूट्रल पे। फर्स्ट गियर डालना है तो हमें लेफ्ट साइड पे लेना है, यहाँ पे सिंबल ऑलरेडी बताया गया है, यहाँ पे लेकर लेफ्ट साइड में लेकर आगे लेना है। आगे लेते ही हमारा फर्स्ट गियर पड़ जाएगा। फर्स्ट गियर पड़ जाने के बाद में दोस्तों हमें धीरे धीरे एक्सीलेटर करना है। अगर आप दोस्तों गियर डालने के बाद में धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ना है और एक्सीलेटर को दबाने की कोई जरूरत नहीं, वैसे ही गाड़ी आगे बढ़ता जाएगा। देखिए दोस्तों, गाड़ी बढ़ रहा है और मैंने एक्सीलेटर पर पैर भी नहीं लगाया। ये फर्स्ट गियर पे रेस होता है, वो ऑटोमेटिकली गाड़ी आगे बढ़ जाता है। उसके बाद आप धीरे धीरे रेस भी दे सकते हैं,
धीरे धीरे रेस दे देने के बाद में आपको सेकेंड गियर डालना है। सेकेंड गियर किस तरह डालना है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सेकेंड गियर डालने के लिए आपको फिर से क्लच फुल दबाना है। क्लच फुल दबाने के बाद में फर्स्ट गियर से सेकेंड गियर का जो सिस्टम है वो सीधा है, यानी कि सीधा नीचे आएगा 1 से 2, तो हमारा दूसरा गियर जो है वो पड़ जाएगा। तो दोस्तों मैं गाड़ी रोक चुका था इसलिए थोड़ा सा मुझे एक्सीलरेट करना पड़ता है, तो ये दूसरा गियर हमारा लग गया। तो दोस्तों अब देखिए लेफ्ट लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट जो है आपको मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, इसके रिगार्डिंग एक ऑलरेडी वीडियो है, फुल वीडियो, उसमें मैं आपको एक यहाँ पे निशान रखकर बताया था। वो जो है बिगनर्स के लिए है और अगर आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो आपके लिए ये स्टेयरिंग वाला जो सिस्टम है काफ़ी अच्छा है। ये लेफ्ट स्टेयरिंग का जगह और ये राइट स्टेयरिंग का जगह, और लेफ्ट और राइट टायर जो है इसी के सीधे में हो जाएगा। तो दोस्तों एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि कहीं अगर आप स्पीड ब्रेकर आता है या हॉम्स आता है ऊंचा वाला, तो वहां पे बहुत सारे ड्राइवर का स्टार्ट जो है बंद हो जाता है। स्टार्ट बंद नहीं होने के लिए दोस्तों ये तरीका मैं बता दूं, यहाँ पे बड़ा सा हॉम्स है आपको भी फील होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लच को आपको दबाना है, हाफ क्लच करना है और एक्सीलरेट करना है। क्लच को पूरा छोड़ना नहीं है, क्लच को हल्के से दबाए रखना है और यहाँ पे एक्सीलरेट करना है। तो वैसे में अगर आप करेंगे उस तरीके से तो आपका गाड़ी का स्टार्ट बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। आप अगर आप क्लच पूरा छोड़ देंगे और एक्सीलरेट करेंगे तो वैसे में दोस्तों आपका गाड़ी जो है बंद हो सकता है। आपको कोई भी स्पीड ब्रेकर या हॉम्स आए तो वहां पे आपको क्या करना है, हाफ क्लच करना है, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है और एक्सीलरेट करना है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। चलाते चलाते दोस्तों ये सब आपका एडजस्ट हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो दोस्तों अब है बताने का टाइम कि गाड़ी को रिवर्स कैसे लेते हैं। वैसे तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया गाड़ी आगे कैसे बढ़ता है, आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरत है। तो दोस्तों पीछे जाने के लिए क्या करना है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों पीछे जाने के लिए भी आपको मैं बता दूं, गियर में आपको एक आर लिखा हुआ नजर आएगा जो रिवर्स है, यानी कि पीछे जाएगा। हमने फर्स्ट गियर डाला तो ये आगे जाएगा, सेकेंड गियर डाला तो भी आगे जाएगा, फोर्थ गियर भी लगाएंगे तो भी वो आगे ही जाएगा। जब तक हम रिवर्स गियर नहीं लगाते पीछे नहीं जाएगा, समझ में आ गया। तो रिवर्स गियर सिर्फ एक ही गियर है जो काम करता है पीछे गाड़ी को लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों गाड़ी को पीछे लेने के लिए हम क्लच फुल दबा रहे हैं और यहाँ पे गियर के लीवर पे हमें रिवर्स लास्ट से नीचे आर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर हमको लेफ्ट साइड में जाना है, बाएं तरफ को लेना है गाड़ी को, तो स्टेयरिंग को हम बाएं तरफ हम मोड़ेंगे। अगर हमें इसे दाहिने तरफ घुमाना है तो हम दाहिने तरफ घुमाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब मुझे इसे लेफ्ट साइड में घुमाकर जाना है, तो मैं स्टेयरिंग को लेफ्ट साइड पे घुमा रहा हूँ। देखिए दोस्तों गाड़ी मेरा मेरे लेफ्ट साइड को आ रहा है, बहुत ही इजी है। अब मुझे यहाँ पे राइट साइड पे जाना है तो अब मेरा गाड़ी आसानी से रिवर्स होके इधर से इधर आ चुका है, सीधा हो चुका है। अब मैं यहाँ आसानी से सीधा ले जा सकता हूँ। तो आगे बढ़ाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्लच दबाकर फर्स्ट गियर डालना है, फर्स्ट गियर डालते ही हमारा गाड़ी जो है आगे बढ़ जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही इजी है ड्राइविंग करना। दोस्तों अब हम आपको थोड़ा सा हिंट्स देंगे, गाड़ी को अगर आपको उठान पे उठाना है तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका जो गियर है उसको फर्स्ट गियर पे कर दीजिए। ओह नो, फर्स्ट गियर पे करेंगे अच्छा रेस आएगा, उठ जाएगा आसानी से और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे ये तो ज्यादा उठान नहीं था, फर्स्ट गियर पे आपको क्लच भी थोड़ा हाथ में रखना है और एक्सीलरेटर को हाथ रखना है और प्रेस करके एक्सीलरेटर को उठाना है और धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। यह आसानी